नमस्कार, मानस मिश्रा ऑल इन्यूनेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बड़ी खबर आ रही है पीओके से, और एक बात आपको बता दें, पीओके वापसी को लेकर के अमित शाह ने जो एक लाइन बोली थी वही संसद में कि पीओके हमारा हिस्सा है और पीओके भारत का हिस्सा है, हम जान भी दे देंगे इसके लिए। और आज पीओके के जो निर्वासित पीएम है बलूचिस्तान के, उनका आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने गिड़गिड़ाने की वीडियो आई है, और कैसे सीपेक को निगल गया पूरे के पूरे पीओके को, और कैसे भारत अब वापसी की बात यहां कही गई। खुद ये कबूलनामा है, आपके सामने दिखाने जा रहा हूं। और जो लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के कार्यों पर सवाल खड़े करते हैं, वो शायद आज ये वीडियो देख करके उनको कोमा में जाना पड़ेगा, वाकई में वो कोमा में चले जाएंगे। और कुछ लोग, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कहते हैं वो करते हैं, आपको दिखाते हैं खुद कैसे आखिरकार पीओके के जो निर्वासित, जो बलूचिस्तान से निर्वासित सरकार के पीएम है, आज डॉक्टर नायला कादरी बलोच ने जब सामने आई और क्या कुछ उन्होंने कहा, और कैसे पाकिस्तान में आजादी की गुहार लगाई, और यहां पर इस समय पाकिस्तान के पीओके में बवंडर मचा है। कुछ देर रुकिए और अपने आप वीडियो को शेयर करने पर मजबूर हो जाएंगे। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, और भारत माता की जय लिख करके, और भारतीय सेना के लिए, क्योंकि ये जो कब्जा भारत वापस लेगा पाकिस्तान से, वो भारतीय सेना इसमें पूरी की पूरी उसी का योगदान होगा। आपको बताते हैं पूरी की पूरी खबर, और यहां सबूतों के साथ, क्योंकि सबूत गैंग बहुत सारे सबूत मांगता है। बलूचिस्तान की निर्वासित सरकार की प्रधानमंत्री डॉक्टर नायला कादरी बलोच ने पाकिस्तान से आजादी की गुहार लगाई थी, और ये पाकिस्तान के आतंकवाद के लिए चीन को जिम्मेदार उन्होंने ठहराया। उन्होंने जो जो खुलासे किए वो होश उड़ाने हैं वाले हैं। वहां पर पाकिस्तान की पीओके में लड़कियों के साथ क्या किया जाता है, क्या कुछ किया जाता है, क्या चीजें जब उन्होंने बताई हैं, और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने गिड़गिड़ाई है वो, और कही है महामाया पीओके आप वापस ले लीजिए, क्योंकि पाकिस्तान ने उसका हालात बुरा कर रखा है। पाकिस्तान ने चीन से सौदा कर लिया है, और वहां पर सिर्फ वो जमीन का सौदा नहीं किया है, वहां की बहन बेटियों का भी सौदा कर लिया है, और वो घटनाक्रम पूरी तरह से भारत सरकार के लिए कहीं ना कहीं वापसी लेने के लिए यूनाइटेड नेशन का सबसे बड़ा ये सबूत भी है। आपको बता दें यहां पर पाकिस्तान के लिए उन्होंने जिम्मेदार ठहराया बलूच नेता जो है, बलूचिस्तान की निर्वासित सरकार की डॉक्टर नायला कादरी। उन्होंने कहा जो पहले ब्रिटिश सरकार करती थी वही आज वहां पर चीन कर रहा है। पाक ने न्यूक्लियर टेस्ट के लिए चीन को अपनी जमीन दी है। बलोच के साथ इस वक्त जो हो रहा है वह सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि वो किसी भी इंसान के साथ नहीं हो सकता। वहां की लड़कियों की बॉडी में मशीन से ड्रिल किया जाता है। राजस्थान और भारत के लोग इसे कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? बलूचिस्तान के निर्वासित सरकार के प्रधानमंत्री डॉक्टर नायला कादरी बलोच ने कहा है कि बलूचिस्तान का बच्चा बच्चा दहशतगर्दों और पाकिस्तान के अवैध कब्जों से आजादी चाहता है। वहां के सांप की भी आजादी की जंग लड़ रहे हैं, जिसे आप नाग देवता कहते हैं। वो बलूच लोगों को नहीं काटते, बल्कि पाकिस्तानी फौज को बंकरों में घुसकर वहां पर डसते हैं। हमारी छोटी छोटी बच्चों के लिए रेप सेल रखा बना रखी है, उन्हें जहां उन्हें न्यूड करके टॉर्चर किया जा रहा है। नई दिल्ली में कादरी ने आज एक निजी न्यूज चैनल से बातचीत करते हुए इसका खुलासा किया। कादरी ने कहा कि बलोच के साथ इस वक्त जो हो रहा है वो सोच भी नहीं सकते हैं। आपके सामने पहले मैं एक सबूत दिखा देता हूं कि सबूत गैंग सबूत मांगता है, उसका ट्वीट की चीजें देखिए। एनआई ने व्यक्त किया, एनआई लिखा है दिल्ली, देयर वाज अ सिविल वॉर इन बलूचिस्तान, देयर इज ऑन गोइंग स्ट्रगल इन फ्रीडम फॉर फ्रीडम, देयर आर लिटिल गर्ल्स एंड बॉयज स्ट्रगलिंग, आई वुड अर्ज इंडिया टू ज्वाइन हैंड विद बलूचिस्तान टू एंड द हब ऑफ टेररिज्म, कॉल्ड पाकिस्तान बलूच एक्टिविस्ट एंड प्रोफेसर नायला कादरी बलूच। और एक ट्वीट है, इसके अलावा एक ट्वीट और दिखाते हैं, देखिए इसके सामने, क्योंकि एक एक चीजें आपके सामने यहां खुलकर सामने आनी चाहिए। देखिए यहां पे उन्होंने लिखा है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी सीपेक इज ए डेथ सेंटेंस फॉर बलूचिस्तान, इट नॉट ए इकोनॉमिक प्रोजेक्ट बट ए मिलिट्री वंस, नो कंट्री हैज टू राइट सेल बलूच पार्ट, दे आर डिस्प्लेसिंग अस फ्रॉम आर
अ सेंट्रियल रैंस टू बिल्ड चाइना चाइनीज एंड पाकिस्तानी सेटलमेंट्स, नीला कादरी बलोच। ये जो लाइन है आपके सामने मैंने पढ़ी, क्योंकि सबूत गैंग सबूत मांगता है, उस सबूत को हमने आपके सामने यहां पर दिखाया है। और सीपेक को लेकर के ये जो लाइन है, मैं आपको बता दूं, सीपेक ने हमें बर्बाद किया है, बचा लो पीओके मोदी जी, ये खुद ये लाइन बोली है यहां पर पाकिस्तान के बलूचिस्तान के निर्वासित यहां पर प्रधानमंत्री ने। और वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि अब हम किसी भी तौर पर भारत हमारे साथ आकर के हमें बाहर निकाले, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक गुहार है। आगे बढ़ते हैं, कादरी ने आगे कहा कि बलोच इस वक्त बलोच के साथ जो भी हो रहा है वो आप सोच भी नहीं सकते हैं। राजस्थान और भारत के लोग भी इसे कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? आप अपनी हिंगलाज माता के बच्चे पाकिस्तानी दहशतगर्दों और टेररिस्ट के हाथों में है। पाकिस्तान टेररिज्म पूरी दुनिया में टेरर फैला रहा है, इसे रोकने के लिए भारत की जनता अपना किरदार हम किरदार भी अदा करना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि भारत की जनता और सरकार को मदद मांगते हुए बलूचिस्तान में क्रांति की शुरुआत करने वाले आजाद हिंद फौज के हीरो नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, आजाद चंद्रशेखर आजाद, अशफाकुल्ला खान जैसे क्रांतिकारी यहां पर पहले भी इस देश में हुए हैं। और आपको बता दें, इसमें सबसे बड़ी आज जो उन्होंने जो खुलकर चीजों को बताया वो सबसे अहम यही था कि बलूचिस्तान को लेकर के सीपेक को लेकर, मैं आपको बता दें, वहीं चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर ये बलोच कार्यकर्ता कादरी ने कहा कि ये कॉरिडोर बलूचिस्तान वालों के लिए मौत की सजा की तरह है। ये इकोनॉमिक प्रोजेक्ट नहीं है बल्कि ये सैन्य प्रोजेक्ट है। उन्होंने आगे कहा कि किसी भी देश के को बलूच बंदरगाहों को बेचने का अधिकार नहीं है, वे हमें चीनी और पाकिस्तानी बस्तियों के निर्माण के लिए हमारी पुश्तैनी जमीनों को विस्थापित कर रहे हैं। नाला कादरी ने आगे कहा कि पिछले हफ्ते पाकिस्तान की फौज हम अत्याचारों की कहानी सुनाई थी हमने, और उन्होंने कहा था कि पाकिस्तानी सैनिकों ने हमारी औरतों लड़कियों का जीना मुश्किल कर रखा है, लड़कियों के शरीर पर ड्रिल मशीन से छेद किया जा रहा है, छोटी छोटी बच्चियों को रेप हो रहा है। इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान के आजादी के गुहार भी लगाई है। उन्होंने कहा, हमने इससे पहले भी 14 जुलाई को मथुरा में मीडिया से बातचीत करते हुए कादरी ने पाकिस्तान के आतंकवाद की फैक्ट्री बताया था। उन्होंने कहा था, अगर पूरी तरह से दुनिया आतंक को समाप्त करना चाहती है तो पाकिस्तान को खत्म करना होगा। सच तो यह है कि पूरी दुनिया जहां आतंक होता है, जब आप उसको कुदेड़ते हैं तो उसका कनेक्शन पाकिस्तान से निकलता है। ये कोई आम आदमी नहीं बोल रहा है, ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान के निर्वासित सरकार के प्रधानमंत्री का ये बयान है, जो खुद प्रधानमंत्री रह चुके हैं। उन्हें बताइए, समझिए कि वो क्या है। उन्होंने कहा कि जब भी किसी चीज का कहीं से भी कोई आतंकवाद से कनेक्शन आता है तो सबके आतंकी के पीछे केवल पाकिस्तान का संबंध मिलता है। उन्हें आरोप ये भी लगाया है कि पाकिस्तान एक नासूर है, उसके आसपास जो भी आबादी रहती है वह सभी को खो रहा है। उन्होंने कहा, भारतीय महाद्वीप में सभी देशों के नाम गिनाते हुए उन्होंने कहा कि उनके सुख चैन का रास्ता बलूचिस्तान की आजादी से जाता है। और साफ तौर पर उन्होंने क्लियर तरीके से कहा कि यहां पर जो कुछ हो रहा है वो एक तरह से अब भारत को भी यहां पर आना पड़ेगा। मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये गुहार लगाई है। बहुत बहुत धन्यवाद।